दूसरा इतिहास 20 उसकी एक आयत में पढ़ूंगा। उसके बाद मोआबियों, अम्मोनियों और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही, और देख वो हसा सोनंतार नाम तक की एनगदी जो कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, और उसने पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने के लिए आए। उसके बाद मैं 21 आयत को पढ़ूंगा। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं, और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेयर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वो मारे गए। सब बोलो आमीन। आप जानते हैं आप एक युद्ध में हैं, हाँ या ना? और हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ। अब एक राजा यहोशापात, बाइबल कहती है कि जब उसे मालूम हुआ कि तीन तरह के लोग उस पर चढ़ाई करने के लिए आ चुके हैं, लिखा उसने उपवास का प्रचार करवाया। किसका प्रचार करवाया? आपको एक पड़ोसी को अपने बोलना है कि मेरी लड़ाई आत्मिक है, बोलो। तो लड़नी भी कैसे पड़ेगी? आत्मिक तरीके के साथ। आमीन। उस राजा ने यह नहीं देखा मेरे पास कितनी बंदूकें पड़ी, कितनी तलवारें पड़ी मेरे पास, कितनी ढालें पड़ी, लड़ने के लिए कितने लोग हैं मेरे पास, सबको इकट्ठा करो, सेनापतियों को, मंत्रियों को। बाइबल कहती है उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, वो डर गया, और बाइबल कहती है उसने पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया, और उसने अपने लोगों से यह कहा कि जाओ और फास्टिंग करनी है और प्रेयर करनी है, क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका है और कुछ देशों ने इकट्ठे होके हम पे युद्ध करने के लिए चढ़ाई कर दी है। आमीन। जब एक राजे को यह चीज मालूम हुई, बाइबल कहती है उसने उपवास का प्रचार करवाया। संसारिक रीति के साथ उसे उठ के सेनापति इकट्ठे करने चाहिए थे, अपने देश के जो योद्धा थे उन्हें इकट्ठा करना चाहिए था और बोलना चाहिए था, देखो भी युद्ध शुरू हो गया, चलो आओ लड़िए अपा, परमेश्वर दे नाम। पर बाइबल कहती उसने उठा और उपवास का प्रचार करवाया, और बाइबल कहती जब वो युद्ध करने के लिए तैयार हुए तो उसने युद्ध करने के बजाय वर्शिप टीम को, गाने वाले लोगों को अपने लोगों के सामने रखा, और वो गा गा कर लिखा स्तुति करते हुए सामने जा रहे थे लड़ने के लिए। कभी ऐसी लड़ाई भी लड़ते देखी आपने कि तलवारों की जगह एक वर्शिप टीम हो जो आगे स्तुति करती हुई ये गा रही है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की। देखने में ये मूर्खता थी कि ये राजा मूर्ख है, इसे ये नहीं मालूम लड़ना कैसे चाहिए, ये बच्चा है इसे पता नहीं क्या करना चाहिए, पर उसको मालूम था कि हमारी लड़ाई आत्मिक है और ये आत्मिक तरीके के साथ ही लड़ी और जीती जा सकती। आप इमेजिन करो एक राजा अपनी सेना के साथ आ रहा है और उसके आगे आगे वर्शिप टीम आ रही, आप सोचेंगे राजा पागल हो गया, संकी हो गया, दिमाग खराब हो गया इसका, शायद ये गाने बजाने का शौकीन है, इसने गाने बजाने वाले लोग आगे रख लिए, वर्शिप कर रहे हैं वो लोग, इसे मालूम नहीं हर चीज का टाइम होना चाहिए, गधी हो गई है तू, हर संडे चर्च जाना शुरू हो गई है तू, हर संडे थोड़ी जाते हैं हम भी तो परमेश्वर को मानते ही हैं, हम जाते हैं साल में दो बार जाओ, दिल में रखो। उनकी निगाह में आप पागल हैं, मैं पागल हूं, पर जीत हमारी, हमारी लड़ाई आत्मिक है और आत्मिक तरीके से लड़के इसको जीता जा सकता है। हम अपने दुश्मनों को मार कर नहीं, उनको माफ करके जीतते हैं, और जीत हमारी। परमेश्वर ने कहा जब लोग तुम्हारी निंदा करें तो मत घबराना, वो परमेश्वर का एक एडवर्टाइजमेंट प्लान है आप लोगों के लिए,
जो आप नहीं कर सकते आपका एनिमी कर सकता है आपके लिए, आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं कर सकता आपके लिए, पर आपके एनिमीज आपको वहां लेके जा सकते हैं जहां आपको आपका फ्रेंड लेके नहीं जा सकता। इसी तरह से इन सालों में मैं आगे बढ़ा हूं और आगे भी जाऊंगा और ये स्पीड बढ़ेगी। अब वो गाड़ी में सिलेंडर फिट होते हैं, कितने सिलेंडर है, ये 2 सिलेंडर है, अब ये 8 सिलेंडर वाली गाड़ी बनने वाली है। आमीन। मत्ती 4 में लिखा, परमेश्वर ने कहा जब उसने पहले चेलों को बुलाया, लिखा उसने जब आंद्रियास को और पत्रस को देखा और बोला मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊ। उसके बाद लिखा उसने जब्दी के पुत्र याकूब को, उसके भाई यूहन्ना को जाल सुधारते हुए देखा और उसको कहा मेरे पीछे चले आओ। लिखा वो दोनों मछुआरे अपने पिता को मजदूरों के साथ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो गए। आज मैं जो बात आपको बताने वाला हूं अगर पल्ले पड़ गई आप ब्लेस्ड हो, मोर देन ब्लेस्ड हो। आपको ये चीज तो समझ आ गई हमारी लड़ाई क्या है आत्मिक। हो सकता है आप जिस सिर के दर्द के जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो सिर्फ प्रार्थना करने से ना जाए। ऐसा हो सकता है कि जिस मुसीबत के जाने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं आपके प्रार्थना करने के बावजूद वो ना जाए जब तक आप इस वचन को फॉलो नहीं करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, जो कमजोर है बोले मैं बलवान हूं, है ना। यह सब हम वचन बोलते हैं हर संडे, पर आपको क्या ये मालूम है कि ये वचन प्रिंसिपल्स पे आधारित है। इनकी घोषणा कुछ शर्तों और नियमों के ऊपर टिकी हुई। क्या आपको यह मालूम है? कोई हथियार जो तेरी हानि के लिए बनाया गया सफल नहीं होगा, हाँ या ना? पर यह घोषणा सबके लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर की घोषणाओं के ऊपर कुछ शर्तें और कुछ नियम टिके हुए हैं। जब उन शर्तों और नियमों के अधीन हम आते हैं तो ये बोले गए वचन हमारी जिंदगी में कामयाब होते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा याकूब यूहन्ना मेरे पीछे आओ, लिखा वो अपने पिता को जाल पे छोड़ के, इसका मतलब बड़ा काम था, बिजी थे वो, मजदूर भी थे उनके पास, इसका मतलब अच्छा बिजनेस था उनका, और लिखा सब कुछ छोड़कर वो परमेश्वर के पीछे चल गए। पत्रस को परमेश्वर ने कहा क्या तुम उससे प्यार करता है? हाँ परमेश्वर करता हूं, मेरी भेड़ों को चरा। क्या तुम उससे प्यार करता है? हाँ करता हूं। दूसरी बार फिर पूछा मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मैं आज एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक क्रिश्चियन हैं, यीशु मसीह के वायदों पर विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं इफलाना हूं, मैं ये हूं, और अगर आप रूहें बचाने में परमेश्वर के किंगडम के साथ नहीं तो ये वायदे भी आपके लिए नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए आज आप चर्च में आए हो वो आपकी हीलिंग नहीं, वो आपकी डिलीवरेंस नहीं। वो कमांड इतनी भारी थी, परमेश्वर ने कहा पत्रस क्या तुम उससे प्यार करते है? हाँ करता हूं, मेरी भेड़ों को चरा। क्या तुम उससे प्यार करते है? हाँ मेरे मेमनों को चरा। क्या तुम उससे प्यार करते है? मेरी भेड़ों की। इसका मतलब अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो आप रूहें बचाएंगे, और अगर आप नहीं करते और सिर्फ आशीष लेने के लिए खुदा से प्यार करते हैं तो आपको रूहें बचाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। जिस तरह मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था रूहें बचाने में 2004 में, क्योंकि मैं सिर्फ हीलिंग लेने के लिए परमेश्वर के पास आया था। मैं फास्टिंग भी हीलिंग के लिए रखता था, प्रेयर भी हीलिंग के लिए कर रहा था, और अगर मैं जल्दी चंगा हो जाता तो शायद आज यहां बैठा भी ना होता, प्रचार करना दूर की बात होती। परमेश्वर ने मेरे दुख को लंबा कर दिया ताकि मैं परमेश्वर को जान सकूं, और जब मैंने परमेश्वर को जान लिया हीलिंग साइड पे करके उसको खोजना शुरू किया और रूहें बचानी शुरू।
हालेलुया। एक टाइम आया जब मुझे मालूम था कि मेरी हीलिंग होनी नहीं, अब क्या करेंगे, फिर भी रूहें बचाई। और ये सुप्रीम वर्क, जब ये महानतम कार्य आप अपनी लाइफ में करते हैं, मुझे नहीं लगता आपकी किसी प्रार्थना का उत्तर प्रभु आपको नहीं देगा। मुझे नहीं लगता ऐसा। दया कर जो तुझ पे दया, कितनों पे दया की है आपने? आपको मालूम है आपका पड़ोसी शराब पीता है, आपने एक बार उसको वर्ड नहीं दिया जाके? आपको मालूम है आपका रिश्तेदार जिस प्रॉब्लम में है, आप उसको वचन देके चर्च में लेके आके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती, पर आपने कभी चिंता नहीं की। और परमेश्वर ने कहा दया कर ताजो मैं तुझ पर दया करूं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया। हिजकिय्याह ने कहा परमेश्वर मैं मरना नहीं चाहता, 15 साल मेरी उम्र और चाहिए मेरे को, मैं तेरे लिए वफादार रहा हूं, मैंने तेरे लिए ये काम किए, मैंने परमेश्वर तेरी व्यवस्था को कायम किया अपने देश में। मुश्किल के दिनों में कौन सी प्रार्थना है आपके पास करने के लिए? क्या आप ये कह सकते हैं खुदा को कि देख परमेश्वर, इस संडे जो गवाही हुई थी वो लोग मेरे द्वारा मसीह में आए, मैंने उनको बताया था जो लोग हीलिंग लेके जा रहे हैं परमेश्वर, मैं उनको लेके आया था, अब मुझे भी हीलिंग चाहिए, अब मैं बीमार हूं। लेकिन हमारे पास प्रार्थना करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। हम बड़े इंटरेस्ट से आते हैं, अपनी बाइबल उठाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च में भी आते हैं, लेकिन कभी ये समझते नहीं कि सुप्रीम वर्क हमारा सबसे महान काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि हम यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताएं। इसलिए लेगा चेले अपना चला चलाया बिजनेस छोड़ के यीशु मसीह के पीछे आ गए, याकूब और यहूना। उन्होंने ये नहीं कहा परमेश्वर में हिसाब किताब तो करने दे, उस लोग तो ठहरा ले, हम उसको अपॉइंट तो कर ले अपनी जगह, ऐसे कैसे आ जाए तेरे पीछे। और देखने में यीशु मसीह निर्दयी लगता था कि यीशु मसीह को सेंस नहीं है कि एक दो जवान लड़कों को अपने माता पिता से बुला लिया, उनको टाइम तक नहीं दिया बिजनेस सेट करने का, उनका बिजनेस फेल हो गया तो यीशु मसीह के काम के लिए, उसकी सोल सेविंग के लिए कुछ भी चला जाए, उसका 1000 गुना बदला आपको मिलता है हमेशा। एक औरत ने यीशु मसीह के पांव के ऊपर 200 दिनार यानी आज की वैल्यू अगर लगाएं आप तो लाख रुपए का इत्र, लाख रुपए का एक परफ्यूम लेके उसके पांव पे उंडेल दिया। और एक चेला जो चोर था बोला अगर गरीबों को दे देते दे, अच्छा होता। यीशु मसीह कहते गरीब सदा रहेंगे, जो मेरे साथ हुआ इसको याद किया जाए कि मेरे पांव पे उंडेली कोई महंगी चीज, तुम्हारी इंजीनियरिंग, तुम्हारी डॉक्टरी, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारी नौकरी अगर तू उंडेल देगा मेरे पैरों पे तो याद की जाएगी, ये व्यर्थ नहीं होगी। कितने लोग जो एक दिन छुट्टी करते हैं काम से, चलो आज सुसमाचार देने के लिए जाते हैं, चलो आज यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए जाते हैं, वैसे छुट्टी नहीं लेंगे हम, हाँ बुखार हो जाए तो छुट्टी लेंगे। अगर आपने वैसे छुट्टी ली होती तो ये बुखार भी ना होता। हालेलुया। परमेश्वर हमें सिखाता है ये चीजें। देखने में परमेश्वर निर्दयी लगता है, क्या कर रहा है परमेश्वर तू? याकूब यूहन्ना को बोला अपने पिता के साथ, लिखा नाव पर वो जालों को सुधार रहे थे, मतलब अपने काम की तैयारी में थे, वो मजदूरों के साथ थे, मतलब ज्यादा बिजनेस था, मजदूर थे उनके पास। और यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आओ, सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो गए। और बाद में यीशु मसीह को चेलों ने पूछा हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो गए, हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर ने कहा जो तुमने माता पिता भाई बहन खेत मजदूर बिजनेस जो कुछ मेरे लिए छोड़ दिया तुम्हें 100 गुना मिलेगा और परलोक में अनंत जीवन भी मिलेगा। क्या आपका प्राइम वर्क है ये? क्या सुप्रीम वर्क है ये? क्या रूहें बचाने का आपके अंदर है ये कि मैंने लोगों को बचाना है?
मैंने एफर्ट करके जाने, स्पेशल जाने, जाएंगे तब ना जब खुद दारू छोड़ी होगी तो। रिश्तेदारों को तो बताया कि अभी खुद तू दारू पीते हो तो बताएं क्या। इसलिए मैंने कहा अगर अपनी गवाही पूरी होगी तो आप लोगों को बता पाओ। अपनी गवाही पूरी रखो, उसके लिए लड़ो, फाइट करो अपने शरीर के साथ। और उसके बाद जब आप टेस्टिमनी देने के लिए जाएंगे आप बता पाएंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, अब परमेश्वर तुम्हारे लिए ये कर सकता है। मेरा ये पहली बार परमेश्वर आपके लाइफ को सुधारेगा, आपको आपके टूटे जालों को वो सुधारेगा और आपको मछलियां पकड़ने वाले वो बनाएगा। आमीन ऊंचा आशीष ऊंची। हालेलुया। आप तैयार है लूहें बचाने के लिए? आप जाएंगे लोगों के पास, रिश्तेदारों के पास, आप उन्हें बताएंगे परमेश्वर के बारे में, आप अपना रिकॉर्ड अच्छा करेंगे परमेश्वर के सामने। जो प्राइम वर्क है, पहला काम है आपका एक क्रिश्चियन होने के नाते, आप उस काम को पूरा करेंगे। क्योंकि आपकी जितनी प्रतिज्ञाएं, जितने वचन आप बोलते हो, जितनी घोषणाओं के पीछे आमीन बोलते हो, वो सब प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित है, नियमों और शर्तों के ऊपर आधारित है। वो इंटरटेनमेंट नहीं है, वो एक विश्वासी की लाइफ है जो एक वचन पे खड़ी है। और उसके बाद उस वचन पे खड़े हो के आपको मालूम है कि हीलिंग मुझे चाहिए क्योंकि खुदा का काम करना है, डिलीवरेंस मुझे चाहिए, मुझे परमेश्वर की गवाही देनी, पैसा मुझे चाहिए खुदा के काम करने, तो फिर आप जो कन्फेस करेंगे हेवन आपको बैक करेगा, आपके पीछे खड़ा होगा। आमीन। पतरस, यकूब, यहोना, आंद्रियास परमेश्वर के पीछे हो गए, सबको छोड़ छाड़ के, क्योंकि एक ऐसा काम है जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, जो हीलिंग से भी इंपॉर्टेंट है, डिलीवरेंस से इंपॉर्टेंट है। मेरी लाइफ में हीलिंग बाद में आई, पहले बोझ आया रूहे बजाने का मेरी लाइफ में, मैं आपकी नहीं जानता। ये सारी प्रॉब्लम्स की एक ही दवाई है, इसे समझ लेना। सारी प्रॉब्लम्स की ये दवाई है आपके लिए। जब लाइफ आपकी सेटल हो जाएगी रूहें बचाने के लिए, और रूहें बचाने के लिए आपको 3 साल की बाइबल स्टडी की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, इतना काफी है। आमीन। हमारी लड़ाई आत्मिक है, आत्मिक तरीके के साथ लड़ी जा सकती है और जीती जा सकती है। नहीं तो राजा यहोशापात भी अपने अगुए, अपने सेनापति, अपने बेस्ट हथियार आगे लेके जाता, ना कि वर्शिप टीम को आगे लेके जाता। इसका मतलब आपकी आपकी प्रॉब्लम का हल आपके दिमाग में नहीं है, आपकी स्पिरिट में। कितनी देर तक प्रार्थना करोगे अपने लिए फास्टिंग करके? आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो फास्टिंग करके। अगर आपका बच्चा अभी नहीं बचा, आपने 80 रख लिए, 120 रोजे रख लिए, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो, आपका बचाया जाएगा। अब वो बोझ जो आपने नहीं काटा, इसका मतलब आपने प्रार्थना से नहीं काटा, आपको बोने की जरूरत है। दूसरों के बच्चों को बचाओ, आपका अपना घराना बचाया जाएगा श्योरली। लेकिन हमें जब अपना बच्चा दारू पीता तो आंसू आते हैं 10-10, लेकिन जब दूसरे का बच्चा, चल शराबी, उसके लिए कोई दर्द नहीं, अपना पिए तो दर्द है। और जब दूसरे के लिए दर्द होगा और आप प्रार्थना में जाएंगे और उसको बताएंगे, आपका अपना भी छोड़ देगा। आपको यह चीज समझने की आज जरूरत है। आमीन। अब मुझे क्वेश्चन करने की जरूरत है, इस महीने मैंने कितनी रूहें बचाई, इस हफ्ते मैं कितने लोगों के पास सुसमाचार लेके गया हूं? ना जी, उन्हें मरना बहुत
पाप जो बढ़े आज ही होता 500 तरह दी उन्हें चीजा रखी जी घर। मैं भी उन्हीं में से था, मेरे पास 600 तरह की थी। जब चेंज होता है ना, ये सेकंड लगाता है खुदा। और सोचो अगर सुसमाचार सुनाने वाले वही बात मुझे कहते तो कि इसने चेंज नहीं होना, तो आप चेंज कैसे होते? आपको नहीं मालूम कौन कब चेंज होने वाला। कई बार सुसमाचार जो आपने दिया, बंदा 6 महीने लगाता है बदलने के लिए। आप देके भूल जाओगे, वो साल बाद फिर आ जाएगा चर्च। लेकिन कब हम सुसमाचार देना शुरू करें, कब सोल सेविंग शुरू होगी, कब हम लोगों को बताएंगे कि यीशु मसीह मारा गया, जी उठा, वही एकमात्र परमेश्वर है। बाइबल में लिखा क्रूस की कथा यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। सदूकियों और फरीसियों के लिए क्या है? ये ठोकर का कारण है। पतरस लंगड़े चला रहे, अंधे दिखा रहे, अभी भी उनको पतरस पसंद नहीं आ रहा। और आने जाते कहते ये कौन सा परमेश्वर, अपने आप को तो बचा नहीं सका। अरे वो कहता ये जान मैंने खुद दी है और खुद वापिस ली है। कौन उसको मार पाया? कोई नहीं। जो पकड़ने के लिए आए थे लोग कहते कौन है यीशु मसीह, कहता मैं हूं। जैसे ही बोला मैं हूं, सब गिर गए थे, कोई पकड़ नहीं सकता था। राजा बोला मुझे छोड़ देने का अधिकार है, अगर तू बोल दे कि ये लोग झूठ बोल रहे। परमेश्वर ने कहा तुझे कोई अधिकार नहीं, मैंने तुझे अधिकार दिया कि आज तू मुझको पकड़े, क्योंकि यही वो वही लोग हैं जिनके बीच में मैंने 3.5 साल प्रचार किया, लंगड़े चलाए, अंधों को आंखें दी, ये मुझे पकड़ नहीं पाए। हालेलुया। और लिखा तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, शैतान का तमाशा बनाया, जी उठ के फिर 40 दिन वही काम किए। हालेलुया। आप तैयार है रूहें बचाने के लिए? आप जाएंगे घर से निकल के, एफर्ट लगा के, किराया लगा के, एफर्ट लगा के, बातें भी सुनने को मिलेंगी, क्योंकि आप जानते हो आपका युद्ध आत्मिक है। आप सिर्फ अपनी प्रेयर कर करके अपना हल बिल्कुल नहीं करवा सकते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं। सिर्फ अपने लिए रोजे रख रख के आप अपना हल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आपको लगता है वैसा होता नहीं जब आप बाइबल में घुस जाओ तो। जनरली उन्हें क्या करना चाहिए था? बैठ के इकट्ठे होना चाहिए था, प्रार्थना करनी चाहिए थी, हे खुदा अब हम जा रहे हैं लड़ने के लिए, हमारा साथ देना। अब सब सेनापति इकट्ठे हो जाओ, सब योद्धा इकट्ठे हो जाओ, 10-10 लाख करके इकट्ठे होकर निकलो, टुकड़ियां बना के बड़ी बड़ी, चलो परमेश्वर हमारे साथ है। ये बात, ये जेन्युइन बात बनती? ये कौन सी बात है कि सबसे आगे वर्शिप टीम को खड़ा कर दिया और वो छैने बजा रहे, तुलियां बजा रहे, यहोवा का धन्यवाद करो उसकी दया सदा की। उन्होंने ये भी गीत नहीं गाया यहोवा हमें बचाएगा, यहोवा हमें बचा, हम मर गए, हम लुट गए, हाँ लुट गए हैं, मर गए, हाँ ये भी नहीं गाया उन्होंने। क्या परमेश्वर को मालूम नहीं आपको क्या चाहिए, किधर चाहिए? हाँ उसको मालूम है। आप वर्शिप करते हो, रिलीज होती है चीजें, उसको मालूम है। पर आपका युद्ध क्या है? आत्मिक। उसको परमेश्वर ने बुद्धि दी थी। अगर आप यहोशाफात राजा के बारे में पढ़े तो उसको डिवाइन विजडम परमेश्वर ने पहले से दी थी। लिखा शुरू से लेकर वो यहोवा की खोज करता रहा, इज़राइल के बाकी राजाओं की तरह ना चला पर दाऊद की तरह चला। परमेश्वर के लिए, व्यवस्था के लिए उसने बड़े बड़े याजक ठहराए, लेवी ठहराए, जो जाके लोगों में परमेश्वर की व्यवस्था को प्रचार करते थे कि भाई यहां से इधर नहीं जाना, इधर से उधर मत जाना, अन्य जातियों में शादी मत करना, ये करना, वो करना, पूरी व्यवस्था लोगों को सिखाते थे, क्योंकि राजा यहोशाफात परमेश्वर की आज्ञाओं से प्यार करता था। शुरू से वो आत्मिक था। उसका राज लंबा चला बाइबल के मुताबिक। उसका बेटा उसकी राह पे नहीं चला, उसका पोता नहीं चला, कोई 1 साल जिया राज करके, कोई 8 साल जिया, बस दैट्स इट, ये उनकी लाइफ थी। पर दाऊद बुढ़ापे तक गया, यहोशाफात बुढ़ापे तक गया, सुलेमान गया, क्यों? लिखा वो यहोवा को खोजते रहे और एक आत्मिक बुद्धि थी उनमें, कौन सा काम होली स्पिरिट की अगुवाई से किस तरह करना है उनको मालूम था।
आमीन। आप समझ रहे क्या? अब उसे मालूम था कि लड़ाई लड़नी कैसे। क्या आपको मालूम है आपने अपनी लड़ाई कैसे लड़नी? मैंने कहा क्या आपको मालूम है आपने अपनी लड़ाई कैसे लड़नी? उसको तो मालूम था, क्या आपको मालूम है क्या? इसलिए याकूब अपने मामा के साथ लड़ा नहीं कि मामा तूने 10 बार मेरी मजदूरी बदली, अब मैं तेरे पास काम नहीं करूंगा। कलेश नहीं डालो, उसे मालूम था मैं इसके साथ कलेश डालूंगा, ये अपनी लड़कियों को कलेश में डालेगा, मेरी पत्नी और हम दो लड़ेंगे झगड़ेंगे, घर में कलेश शुरू हो जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं। उसका मामा कहता अब तेरी मजदूरी काली भेड़े हैं। हाँ, तनख्वाह तेरी कौन सी है? काली भेड़े। और चराने के लिए कौन से रंग की दूंगा? व्हाइट रंग की। और बच्चे कौन से हो रहे? मतलब एक गोरा दे दी, एक गोरी दे दी, बच्चा अफ्रीका का हुआ। और ऐसा हुआ क्यों? लड़ाई कैसी है? आत्मिक। उसने दर्शन देखा, मेडिटेट किया कि जो भेड़ और बकरियां बच्चे दे रही उसी रंग के दे रही है जिस रंग के बच्चे मेरी तनख्वाह है। कैसे धोखा देगो आत्मिक लोगों को? आप कैसे दोगे धोखा? आपको लोग धोखा नहीं दे सकते, नीचा नहीं कर सकते, आपको डाउन नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते वो, अगर आप आत्मिक है तो। डोंट वरी। लोग पूछते हैं अच्छा आप क्या कहना चाहते हो आपके बारे में लोगों ने ऐसा बोला? मैंने किसने बोला? कहते उसने। कहते आपने देखा नहीं? मैंने कहा आज तक मैंने अपने ऊपर बनाई हुई एक भी वीडियो नहीं देखी आज तक। मुझे खुद का मालूम है। आमीन। एक व्यक्ति लाखों लोगों की निगाह में सही हो सकता है पर वो अगर अपनी निगाह में सही नहीं, उसे मालूम है वो पापी है, लोग क्या बोल, लोग क्या करेंगे, लोग क्या उसे स्वर्ग का टिकट दे सकते? नो। अगर उस बंदे को मालूम है कि मैं ओके हूं, कुछ नहीं, कोई जो मर्जी कही जाए, हालेलुया। आपकी लड़ाई क्या है? आत्मिक। आपको लड़नी आनी चाहिए आत्मिक रीति के साथ। रूहें बचाना इस बात का सबूत है कि आप अपनी लड़ाई आत्मिक तरह से कर रहे हो। प्रार्थना करना सबूत है कि आप अपनी लड़ाई अच्छी तरह से कर रहे हो। परमेश्वर के वचन पे खड़े रहना, उसके नियमों शर्तों उसकी विधियों पर खड़े रहना इस बात का सबूत है कि आप अपनी लड़ाई आत्मिक तरह से कर रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात क्या? नहीं, अगर आपको मालूम है आपकी लड़ाई आत्मिक है, आप जितने मर्जी बिजी हो, आप हफ्ते में एक दिन निकालोगे फास्टिंग के लिए, आप डेडिकेट करोगे उसे एक दिन हफ्ते में रोजा रखने, प्रार्थना में रहने, बाइबल को ज्यादा पढ़ने, रूहें बचानी, क्योंकि आपको मालूम है आपकी बुद्धि किसी काम की नहीं। आप बुद्धि से लड़ोगे कुछ नहीं होगा। देखो बाइबल में जहां राजे लड़े जीते, चेले जहां पे लड़े और जीते, चेलों का युद्ध वैसा नहीं जैसे राजाओं का था, सिर्फ आत्मिक रीति के साथ लड़के ही जीते। आप डरेंगे तो नहीं? मैंने कहा डरेंगे तो नहीं, घबराएंगे तो नहीं? अपने बॉस को वचन सुनाने से मत डरो, क्योंकि एक ऊपर बॉस बैठा है जिसके सामने हमने जाना है। हाँ है ना? एक मुस्लिम बंदे की मैं टेस्टिमनी को सुन रहा था, बहुत खतरनाक कड़क इंसान था वो मुस्लिम बंदा, और उसके जो इंप्लॉय थे वो क्रिश्चियन थे। और एक दिन सुबह उठा तो उसके पीठ में दर्द थी। उसने कहा सिंपल दर्द है, कोई बात नहीं। दर्द बढ़ती इतनी बड़ी कि उस बंदे का हिलना मुश्किल हो गया। ऑपरेशंस डॉक्टर ने बोले, नाड़े हिल गई, मनके हिल गए, ब्लॉक्स हो गया, सारा कुछ, जिंदगी ठप हो गई टोटल। मरने तक पहुंच के जब उन्होंने बताया कि अगर आप चर्च में जाओ तो परमेश्वर आपको छू सकता है, फर्स्ट डे चर्च हीलिंग हुई, आज वो क्रिश्चियन है। हालेलुया। तैयार हो सुसमाचार देने के लिए। आधा घंटा फेसबुक पे चैटिंग करने से अच्छा ये है आप अपने रिश्तेदार को फोन करो और परमेश्वर के बारे में बताओ। आप रोज बताएंगे उसे, एक दिन वो आने वाला है। तारीफ करो जोर से।
आप बचाएंगे रूहें। अपने पड़ोसी को श्योरिटी दो, बोलो मैं बचाऊंगा रूहें, बचाऊंगा रूहें। वायदा करो पड़ोसी, बोलो मैं बचाऊंगा रूहें, बचाऊंगा रूहें। अगर आप रूहें बचाने वाले हैं तो आपकी वैल्यू है, हाँ। और अगर आप वैल्यूएबल हैं खुदा के सामने तो वो आपको बचाएगा, सुरक्षित रखेगा, ब्लेस भी रखेगा, और आपके एनिमीज हमेशा शर्मिंदा रहेंगे। पर अगर आपकी वैल्यू खुदा के सामने है तो अगर वो लड़की सोचती कि मैं नमान को क्या कह दूं कि मेरे देश जाके अगर खुदा का दास तुझ पे हाथ रखे तो कोर्ट जा सकता है, मैं तो खुद नौकरानी हूं, मैं तो खुद बर्तन मानती हूं, वो कहेगा अच्छा तू मेनू सलाह दे रही, तेरा परमेश्वर तुझे तो बचा नहीं सका मेरे हाथ से, अगर वो तेरे साथ होता तू यहां पे बर्तन क्यों मान, तू भी अपने देश में होती। उसने परवाह नहीं की क्योंकि ये उसका चैलेंज था, ये उसकी तैयारी थी, उसकी चुनौती थी। उसने गवाही दी, नमान बचाया गया। बचाया गया कि नहीं? मैंने चर्च में यहां पे लोग देखे, आपको कैसे पता परमेश्वर के बारे में? हमारे घर में काम करती है लड़की, उसने हमें बताया। लोग तैयार हैं बचने के लिए, आप तैयार हो बचाने के लिए? यीशु मसीह ने कहा फसलें पकी मजदूर थोड़े, आज से आप चर्च के मजदूर हो, मैं आपका हेड मजदूर हूं, आप चर्च के मजदूर हो और मैं आपका हेड मजदूर हूं। हम फसलें काटने के लिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। काटोगे फसलें? जब आपके पास रूहों के ढेर पड़े होंगे और जब खेत का मालिक चेक करने के लिए आएगा फसलों को, आपकी मेहनत देखकर वो आपको प्रतिफल जरूर देगा।